नमस्कार, मैं पंडित राम किशोर शर्मा आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय माता दी। कल जिस विषय पर अपन ने चर्चा करी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शारीरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उपाय जो अपन स्वयं कर सकते हैं, वह अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना, कुंडलिनी जागरण करना कहलाता है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ये शब्द कुंडलिनी, पर इस विषय में बहुत भ्रम भी उत्पन्न होता है लोगों को। जो अपनी अंदर की शक्ति है उसको जागृत करने के लिए कई उपाय हैं, मंत्रों द्वारा, योग द्वारा, गायन द्वारा, ध्यान द्वारा। तो कल अपन ध्यान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वह किसी एक बिंदु पर निश्चित अपन अपलक देखते हुए ध्यान करना वाह त्राटक कहलाता है। इसको सिद्ध हो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से आंतरिक त्राटक करना जरूरी रहता है। नेत्र बंद करके जहां पर अपन तिलक लगाते हैं माथे पर, दोनों भौहों के बीच में, वह आज्ञा चक्र का स्थान है। उस आज्ञा चक्र पर नेत्र बंद कर और उस पर अपने को ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान के लिए चाहे आप अपने मन में अपने इष्ट का, अपने गुरु मंत्र का या कोई भी बीजाक्षर मंत्र का जाप मन में करते रहें और अपने आज्ञा चक्र पर त्राटक ध्यान लगाना शुरू कर दें। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, जैसा आपको इजी गोइंग सरलता से बैठ सकते हो उसी प्रकार आप बैठकर और इस प्रक्रिया को शुरू करिएगा। मैं निश्चित रूप से आपको बता देता हूं कि आप यदि इस चीज में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास और सतत निरंतर इस क्रिया को करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी और उसका कारण होगा सिर्फ आपकी आंतरिक जो शक्ति सामर्थ्यता है, वह कुंडलिनी शक्ति का जागरण। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। यह यदि आपकी किसी भी परसेंटेज में यदि यह जागृत होती है तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आपके परिवार, आपके घर परिवार सदस्यों के लिए, आपके इष्ट मित्रों के लिए और आपके स्वयं के लिए। आप स्वयं देखेंगे कि इस कुंडलिनी शक्ति के जागरण से आपको कितना फायदा, कितना एडवांटेज मिला है। तो आप आंतरिक त्राटक अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं और कुछ नहीं तो ओम का ध्यान करते हुए अंदर ही अंदर आप मन में और आज्ञा चक्र पर त्राटक करते हुए ओम का उच्चारण करें, ओम पे ही ध्यान लगाएं। ओम प्रकार से आप अपने समय की अवधि बढ़ाते जाएं, 5 मिनट, 10 मिनट और फिर आप स्वयं देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि आप स्वस्थ और पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अब आपको एक सीढ़ी आगे और बढ़ना पड़ेगा।
चार शब्द मैंने आपको बोले, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और सतत यानी निरंतरता। इस प्रक्रिया में ये चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके रहते ही आप इस विषय में, इस क्रिया में आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसका कुछ समय बाद जब आप इसको करते रहेंगे तो कुछ चीजें आपको महसूस होंगी जो आपने कभी पहले महसूस नहीं करी हो। नेत्र बंद करके जब आप त्राटक करेंगे, आपको एक सबसे पहले पीले कलर का प्रकाश आपकी नेत्रों के आगे बंद नेत्रों में आपको दिखेगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद इस प्रकार प्रक्रिया करते करते कुछ आपको दृश्य भी दिखने लगेंगे। वन है, जंगल है, नदी है, तालाब है, समुद्र है। यहां तक आप जिस इष्ट और जिस गुरु का मन जाप कर रहे हैं, हो सकता है वो उस इष्ट का भी आपको दर्शन होने लगे। लेकिन आपको विश्वास और श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। अब आपको एक प्रक्रिया मैं बताता हूं। आप सभी ने दुर्गा सप्तशती नाम की एक ग्रंथ है, सुना होगा नाम। उसमें सबसे पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नाम दिया है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया है। उस स्तोत्र के पाठ करने से, उसको कंठस्थ करके त्राटक करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति निश्चित रूप से जागृत होगी होगी होगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव और विश्वास है। इस विश्वास के साथ आप इसको करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस प्रक्रिया में आप निश्चित रूप से सफल भी होंगे। चाहे आप बेमन से भी शुरू करेंगे ना, तो भी आपको कुछ समय बाद इसमें मन लगने लगेगा। ये इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी जो मुझ मेरे पास प्राप्त है गुरु महाराज की कृपा से, माता जी की कृपा से, वह चीज आपको मैं स्वयं के अनुभव की बता रहा हूँ। कोई बनावटी चीज नहीं है, ना बनावटी कोई बात है। कई सालों से मैंने अनुभव किया, मेरे गुरु के द्वारा बताई गई यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की क्रिया, अनुष्ठान, पूजा, इसके द्वारा मुझको जो प्राप्त हुआ वही मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बता रहा हूं। आपको यह करना है, यह आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है और करना आपका काम है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शिव पार्वती संवाद है। इसमें मंत्र जो है वो एक ही श्वास में आपको बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लुं हुं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ज्वल हम सम लम चम फट स्वाहा। इसके बाद स्तोत्र चालू होता है। नमस्ते रुद्रमन, इस प्रकार से नमस्कार मंत्र है। उसमें आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती में वह आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। आप उसको करिएगा और आगे बढ़िएगा। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। आप करिए, आगे के लिए आपको और भी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताएंगे जो कि हमको हमारे गुरु महाराज और माता जी की कृपा से प्रत्यक्ष प्राप्त हुई है। ये आप निश्चित रूप से सत्य और सत्य और सत्य ही मानना। नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।